कुछ ही महीनों में देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सभी पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई हैं। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में सीट बंटवारे को लेकर आपसी उठापटक मची हुई है। दरअसल इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन जारी है। दिल्ली बिहार में जहां कांग्रेस बंटवारे पर सहमत नजर आ रही है, तो वहीं यूपी में सहयोगी दल सपा के साथ सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 9 जनवरी को गठबंधन की पहली बैठक हुई थी। वहीं पहली बैठक के बाद ही दोनों दलों के नेताओं की फोन पर बातचीत हुई। सपा ने कांग्रेस के साथ प्रस्तावित सीटों पर प्रत्याशियों की सूची शेयर करने की बात कही। चर्चा है कि ये बात कांग्रेस को अखर गई है। दोनों दलों के बीच दूसरे राउंड की बैठक पटरी से उतर गई। सपा को कांग्रेस के साथ बढ़ता बसपा का संपर्क रास नहीं आ रहा है। 12 जनवरी को कांग्रेस ने सपा को फोन कर बैठक टालने की जानकारी दी। कांग्रेस ने सपा से कहा कि उसकी बैठक को लेकर पूरी तैयारी नहीं है। ऐसे में सपा पदाधिकारी भड़क गए। सपा मीडिया सेल ने एक्स पर पोस्ट अपलोड की और कांग्रेस पर धोखेबाजी का आरोप लगाया। इस पोस्ट को सपा ने देर रात हटा लिया। पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन ने कहा कि इसमें गलत क्या है, हम कांग्रेस से जिताऊ प्रत्याशियों के नाम 2 महीने से मांग रहे हैं। उधर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि सपा को गठबंधन में रोड़ा पहुंचाने वाले तत्वों को दूर करना होगा, तभी बीजेपी से मुकाबला कर सकते हैं। यूपी में लोकसभा सीटों पर बंटवारे के लिए इंडिया गठबंधन की पहली बैठक 9 जनवरी को हुई। इसमें कांग्रेस सपा के पदाधिकारी शामिल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक यूपी कांग्रेस ने पहली बार में इंडिया गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश में 35 सीटों का दावा किया था। इस दौरान सपा की तरफ से इन सीटों पर प्रत्याशियों के नाम भी मांगे गए। चर्चा है कि कांग्रेस 2009 के फॉर्मूले के आधार पर जीती हुई 21 सीटों पर दूसरे राउंड की बैठक में बात करने वाली थी, लेकिन मामला उलझ गया। कांग्रेस चाहती है कि उसे 21 सीटों पर लड़ने का मौका जरूर मिले, लेकिन सपा उसे 8 सीटों पर लड़ने का संकेत दे चुकी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।